डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ओके, ध्यान से देखिएगा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, मतलब लास्ट लेक्चर में हमने तो पढ़ ली है कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू द अंडर रूट M2 अपॉन M1 D2 अपॉन D1, ऐसा हमने पढ़े हैं। यस, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस अंडर सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर एंड एरिया। सुनिए बेटा, यहां हमें इसका रेशियो निकालना है, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू द अंडर रूट M2 अपॉन M1। यस सर, पहली गैस कौन सी है? मीथेन। यस सर, और सेकंड गैस कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड। तो रेशियो ऑफ मीथेन अपॉन रेशियो ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू द अंडर रूट। ओके, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है बेटा यहां पर? यहां आएगा सर 16 ग्राम पर मोल। कितना आएगा? 16 ग्राम पर मोल। और सल्फर डाइऑक्साइड का है 64, क्योंकि सल्फर का 32 एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन का 16 16 टू द 32, तो टोटल कितना है? 64 ग्राम पर मोल। यस सर, तो आंसर आएगा इसका 64 डिवाइडेड बाय 16, कितना बचा बेटा यहां पर? देखिए 4, अंडर रूट 4 कितना होता है? 2 होगा सर। सो रेशियो ऑफ CH4 ओके अपॉन रेशियो ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। यस सर, रेशियो तो नहीं, रेट बोलेंगे, रेट ऑफ CH4 अपॉन रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, यस सर, अंडर रूट 4 कितना होता है बेटा? 2, यहां पर 2/1। देयरफॉर रेशियो कितना आ रहा है इसका? 2:1, मतलब देखिए रेट ऑफ CH4 इज टू रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। यस सर, कितना आ रहा? 2:1, मतलब कहने का मीनिंग ये है जब डिफ्यूजन होगा तो यहां पर मीथेन का स्पीड जो है 2 गुना ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सल्फर डाइऑक्साइड। यस सर, ओके, बिकॉज रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन हेलियम मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यस सर, रेट, यस, सो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, सो आप ऐसा लिख सकते हैं। सुनिए, रेट देखिए, रेट इज इक्वल टू द के अपॉन अंडर रूट एम। यस सर, सो रेट इज इक्वल टू के अपॉन अंडर रूट एम, के अपॉन अंडर रूट एम। पहली गैस कौन सी है सर? पहली गैस है यहां पर मीथेन, तो मैं सॉरी हेलियम, तो हेलियम का एटॉमिक मास कितना है? 4 है सर। कितना? 4। यस सर, अंडर रूट 4:2 रेशियो निकालना है। चलिए सेकंड गैस कौन सी है? के अपॉन मीथेन, मीथेन का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना है? 16। यस सर, इज टू के अपॉन अंडर रूट सल्फर डाइऑक्साइड का कितना है? 64। यस सर, के कॉमन निकाल लेंगे यहां पर। ओके, क्या बचा यहां पर? ध्यान से देखिएगा, 1/2 बचा है सर, ये स्क्वायर हटाने के बाद में, रूट हटाने के बाद, इज टू 1/4। यस सर, इज टू 1/8। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, इसको हम सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यस सर, पूरे टर्म्स को, तो 8/2 इज टू 8/4 इज टू 8/8। ओके, कितना आ रहा? 4:2:1 बराबर है। तो कहने का मीनिंग यह है कि फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। ओके, तो यहां पर देखिए हेलियम का रेट कितना रहेगा? 4, मीथेन का 2, यस सर, और सल्फर डाइऑक्साइड का 1। तो कहने का मीनिंग यह है क्या, यहां पर हेलियम का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड से 4 टाइम्स ज्यादा रहेगा। ओके, और मीथेन से 2 टाइम्स ज्यादा रहेगा। यस सर, कितना? मीथेन से 2 टाइम्स ज्यादा रहेगा। चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। देखिए क्वेश्चन है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, 64 एंड 60 रिस्पेक्टिवली इफ 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन 75 सेकंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूजन डन बाय O2 इन 96 सेकंड अंडर
सिमिलर कंडीशन। ध्यान से देखिएगा, पहले गैस का रेट R1 is equal to V1 upon T1 और दूसरे गैस का रेट R2 is equal to V2 upon T2। यस सर, R1 upon R2 is equal to क्या बताइए, V1 upon T1 upon V2 upon T2। तो यहां से हमने फॉर्मूला ऐसे ड्राइव किए थे, R1 upon R2 is equal to V1 into T2 upon V2 into T1। यस सर, लेकिन यहां पर हमें डेंसिटी दिया है, सिंस वी नो दैट R1 upon R2 is equal to the अंडर रूट D2 upon D1। यस सर, है ना, मॉलिक्यूलर मास की जगह। ओके चलिए, एक काम कीजिए, आप ये फॉर्मूले को यहां पर रख दीजिए, अंडर रूट D2 upon D1 is equal to V1 into T2 upon V2 into T1। यस सर, ठीक है। अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का डेंसिटी कितना दे दिया, सेकंड गैस कितना है, कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, और फर्स्ट गैस कौन सा है, ऑक्सीजन। यस सर, ठीक है, T2 upon D1 है, इसको 60 भी कर दीजिए, 60 divided by 64। यस सर, तो ध्यान से देखिएगा, O2 फर्स्ट गैस है सर, कितना है इसका डेंसिटी, 16। यस सर, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 64, कितना, 4 बचा सर यहाँ पर, अंडर रूट इज इक्वल टू, ओके, इफ 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इफ्यूजन टेक्स प्लेस इन 25 सेकंड, सेकंड गैस का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, कितने सेकंड में, इन 75 सेकंड, मतलब T2 ये कितना है बेटा, 75 सेकंड है सर। यस सर, इनटू आगे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इफ्यूजन डन बाय O2, यानी V1 निकालना है यहां पर, ओके, इन 96 सेकंड अंडर सिमिलर कंडीशन, कितना सेकंड है, 96 सेकंड। यस सर, तो सेकंड से सेकंड खत्म हो गए। यस सर, ओके, यहां कितना बचा, 2, ओके, ये V1 इनटू ये कितना बचा बेटा यहां पर, यहां ये बचा है 3। यस सर, कितना बचा है, 3, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ रहा है, 32। यस सर, अब यहां पर क्या बचा है, ध्यान से देखिएगा, वही तो गैस वाली, V1 इज इक्वल टू ये कितना था, 2 इनटू 32, और क्या बचा है, सेंटीमीटर क्यूब। यस सर, सो V1 इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, मतलब यहां पर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अ ट्यूब हैज टू इनलेट, ध्यान से देखिए, सेपरेटेड बाय 200 सेंटीमीटर फ्रॉम इनलेट। ध्यान से देखिए, एक ट्यूब है, चलिए मैंने यहां पर एक ट्यूब ड्रॉ किया हूं, इसमें दो इनलेट है, ओके, सेपरेटेड बाय 200 सेंटीमीटर, ओके, फ्रॉम इनलेट, यानी यहां से इसका जो डिस्टेंस हमें बता रहा, ये कितना बता रहा, 200 सेंटीमीटर। यस सर, ध्यान से देखिएगा, कितना है, 200 सेंटीमीटर, ओके, एक्स 200 सेंटीमीटर फ्रॉम इनलेट एक्स, मतलब यहां पर ये एक्स पॉइंट और ये वाई, तो यहां पर इनलेट कौन सा है, एक्स, और कौन सी गैस यहां से हम एंटर कर रहे, अमोनिया गैस इज डिफ्यूज्ड, एंड फ्रॉम वाई HCl गैस इज डिफ्यूज्ड, और सेकंड पॉइंट जो हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज वाई यहां से हम एंटर कर रहे हैं, कौन सी, HCl गैस, है ना, इनसाइड बोथ द गैसेस मीट एट पॉइंट बी। मैं एक काम करता हूं, इसका मॉलिक्यूलर मास कम है तो ये पॉइंट पर बता देता हूं कि यहां पर ये गैसेस मिलती होगी पॉइंट बी। यस सर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड पॉइंट बी। यस, मतलब यहां से अमोनिया गैस जो मीट होती है इस पॉइंट बी पर, ओके, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर मान लिया मैंने डी। यस सर, इसका डिस्टेंस क्या है, डी, अब बचा हुआ क्या बताइए, 200 सेंटीमीटर माइनस डी, ओके, 200 सेंटीमीटर माइनस डी। यस, चलिए पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या है, अ ट्यूब हैज टू इनलेट, इसके पास दो इनलेट है, देखिए एक है एक्स और दूसरा है वाई, एक्स इनलेट से हम एंटर करते हैं यहां पर अमोनिया गैस, जबकि Y इनलेट से हम एंटर करते हैं HCl गैस, ओके, अब ये दोनों गैसेस मीट होती है कहां पर, पॉइंट B पर, ये पॉइंट B बता दिया हूं मैंने, मैं यहां पर भी बता सकता था, लेकिन आपको पता है कि अगर मॉलिक्यूलर मास कम हो
ओके, मॉलिक्यूलर मास का मतलब थोड़ा सा मीट इसका आगे होगा, यस सर, इधर बढ़ना चाहिए, पॉइंट पी, यस, यहां पर ये मीट होगी गैस, चलिए ये पॉइंट पी, ओके। अब उसके बाद देखिए क्या एक्स और देखिए मतलब एक्स और बी का जो डिस्टेंस रहेगा, आगे क्या दिया, बोथ द गैसेस मीट एट पॉइंट पी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड पॉइंट पी, यानी इस एक्स से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पर बताया आपको डी, यस सर, पूरा कितना था बेटा 200, तो 200 में से हमें डी माइनस कर रहे तब हमें पता चलेगा, यस सर, ओके। तो चलिए ध्यान से देखिए, ये समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्या यहाँ पर हमें ये डी निकालना है, क्या निकालना है इसमें डी, यस सर। अब इसका बेसिक फॉर्मूला जो हम पढ़े हैं, ओके, रेट वाला, यस सर, क्या रेट ऑफ फर्स्ट गैस अपॉन रेट ऑफ सेकंड गैस इज इक्वल टू द, ओके, अंडर रूट, ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम टू अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम वन, सो रेट ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय रेट ऑफ एच सी एल इज इक्वल टू, यस सर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एच सी एल कितना है बेटा यहाँ पर, सर मॉलिक्यूलर मास ऑफ एच सी एल आएगा 36.5 डिवाइडेड बाय, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया कितना है, 17 है सर, 17 से आप इसको डिवाइड कीजिए तो ये आएगा 2.146, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करता हूँ, देखिए 2.25 कर दिया मैंने यहाँ पर, ओके, वी नो क्या 36.5 डिवाइडेड बाय 17, यस सर, 17 टू जा 34, कितना बचा, 2, यहाँ पर चलिए पॉइंट लगा दिया हमने, 71 जा कितना बचा यहाँ पर, 7, कितना बचा 8, ओके 0, हाँ 2.14। तो मैंने एक काम किया यहाँ पर 2.25 लगा दिया अप्रोक्स उसके नियर, ओके, क्योंकि हमें देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अप्रोक्स आंसर निकालना पड़ता। अच्छा, ये लिखने का रीजन आपको शायद समझ में आया होगा कि 225 ये किसका स्क्वायर है, 15 का, यस सर, तो यहाँ पर देखिए 2.25 है तो मैं इसको 1.5 कर दूंगा, यस सर, ओके, डिवाइडेड बाय 1 इसका रेशियो, सो ओके रेट ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय रेट ऑफ एच सी एल, यस सर। तो आप एक काम कीजिएगा बेटा, इसको ऐसा कर लीजिए, ये हो जाएगा 1.5, क्या रहेगा 1.5, यस सर, ओके। चलिए यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया होगा, रेशो कितना अपॉन 1, सो रेट ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय रेट ऑफ एच सी एल, यस सर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालना है, ओके, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, 1.5 प्लस 1, 1 प्लस 1.5, इसमें से डिस्टेंस ये कितना है इसका मॉलिक्यूलर मास 1.5, यस सर, इनटू टोटल डिस्टेंस कितना है 200 सेंटीमीटर, कितना है 200 सेंटीमीटर, सो डिस्टेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू, देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करने कितना आंसर आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, ओके, 2.5, ओके, यस सर, सो इसको 25 कर दीजिए आप, है ना, और 10 का पावर माइनस 1 तो 25 दाए कितना आ रहा, 250 और कितना 12, ओके, चलिए, सो डिस्टेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू, देखिए आप इसको मैंने क्या किया हूं यहां पर, चलिए कर देता हूं यहां पर, 300 डिवाइडेड बाय 25 इनटू 10 का पावर माइनस 1, यस सर, कितना बचा यहां पर 12, ऊपर जाने पर 120, तो चलिए डिस्टेंस ऑफ अमोनिया, यानी यहां पर देखिए अमोनिया जो है पी पॉइंट पर जो मिल रहा है, ओके, वो डिस्टेंस कितना है 120, यस सर, अब यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है, चलिए डिस्टेंस निकाल लिया हमने, इसके बाद देखिए क्या डिस्टेंस ऑफ अमोनिया तो आ गया है इसका, डिस्टेंस ऑफ एच सी एल कितना आएगा, ये रहेगा सर 200 माइनस 120 दैट इज 80, ओके, लेकिन हमें क्वेश्चन ये पूछा था कि डिस्टेंस ऑफ अमोनिया कितना आएगा, ओके, तो डिस्टेंस ऑफ अमोनिया कितना आएगा बेटा यहाँ पर, सर ये आएगा 120 सेंटीमीटर, ओके, और ये कितना रहेगा 80 सेंटीमीटर, यस सर। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, देखिए क्वेश्चन है 24 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूज इन 5 सेकंड, फाइंड द मास ऑफ O2 डिफ्यूज इन 10 सेकंड थ्रू द सेम होल, ओके, ध्यान से देखिएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 इनटू T2 अपॉन, ओके,
N2 into T1। यस सर, पहला गैस कौन सा है इसमें? हाइड्रोजन गैस। चलिए हम इसके मोल निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन, कितना है? 24। मोलर मास कितना है? 2। कितना आ रहा है यहाँ पर? 12 मोल। यस सर, ओके। ध्यान से देखिएगा, पहले हम एक काम करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे और मोल का बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, मास अपॉन मोलर मास। यस सर, ओके। ध्यान से देखिएगा, तो कितना ग्राम देते हैं यहाँ पर हमें? यस सर, यहाँ पर हमें दे दिया है 24 ग्राम। यस सर, डिफ्यूज 5 सेकंड। फाइंड द मास ऑफ O2 डिफ्यूज इन 10 सेकंड थ्रू द सेम होल। अब यहाँ पर हमें इसका मास निकालना है। यस सर, अच्छा हमें एक फॉर्मूला ये भी पता है, R1 upon R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 upon M1। यस सर, ये फॉर्मूले को रख दीजिए आप। N1 into T2 upon N2 into T1 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 upon M1। यस सर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 12 मोल। यस सर, इनटू टाइम कितना है दिया हुआ ऑक्सीजन का? 10 सेकंड। यस सर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन N2 into टाइम कितना है दिया हुआ? यह 5 सेकंड। यस सर, इज इक्वल टू अंडर रूट M2। मोलर मास कितने हैं बताइए? यह सर 32। यस सर, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का तो कितना आ रहा है? 16 का देखो हमने रूट हटा दी, कितना रहेगा? 4। यस सर, तो यहाँ पर ये 2 है। यस सर, ओके। ध्यान से देखिएगा, N2 इज इक्वल टू, ओके, तो 12 into 2 divided by 4। यस, यस सर, ठीक है ना। और ये मोल रहेगा लास्ट में। यस सर, तो कितने हैं? 3। यस सर, सो N2 इज इक्वल टू 6 मोल। लेकिन हमें मोल नहीं निकालना है, मास निकालना है। बेसिक फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मोलर मास। सो मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 6 मोल। यस सर, इनटू मोलर मास कितना है इसका? मोलर मास है सर 32 ग्राम पर मोल। यस सर, मोल मोल कैंसिल कर दिए हमने। यस सर, तो मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ओके, ध्यान से देखिए कितना आंसर आ रहा है इसका? 36 है ना, 186। यस सर, कितना आ जाएगा? 186 ग्राम। चेक कर लेना, ओके, बराबर है? 6 है ना, 33 से कितना? 90, 91, 80। यस सर, 180 और 192 आ रहा है। यस सर, कितना आएगा? 192 ग्राम। यस सर, ओके, समझ में आ गया आपको कैसे किया हमने? 6 × 12, ओके, 2, कितना बचा? 1, 6, 18, 19, बराबर है 192 ग्राम। यस, आगे 10 ml ऑफ H2 गैस डिफ्यूज थ्रू अ होल इन 5 सेकंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय सेम वॉल्यूम ऑफ O2 टू डिफ्यूज थ्रू द सेम होल। ओके, देखिए वॉल्यूम वाला आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि V1 into T2 upon V2 into T1। यस सर, इज इक्वल टू, यस सर, M2 upon M1। यस सर, तो यहाँ पर पहला गैस है, कितना वॉल्यूम दे दिया यहाँ पर? 10 ml दे दिया। टाइम कितना दिया ऑक्सीजन का यहाँ पर? फाइंड द टाइम, मतलब T2 निकालना है सर यहाँ पर हमें O2 का, डिवाइडेड बाय, ओके, सेम वॉल्यूम ऑफ O2, मतलब ये भी कितना रहेगा? 10 ml, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इनटू, यस सर, आगे T1 कितना है यहाँ पर इसका टाइम? 10 सेकंड, नहीं सर, 5 सेकंड। यस सर, इज इक्वल टू अंडर मोलर मास कितना है? 32 divided by 2, दैट इज 16 का स्क्वायर हटा दिए हमने, मतलब रूट हटा दिए, कितना हो गया? 4। यस सर, सो T2 इज इक्वल टू 5 × 4। यस सर, 5 × 4, ओके, सेकंड, सो T2 इज इक्वल टू 20 सेकंड, तो आंसर कितना लगेगा इसका? 20 सेकंड, बराबर है? यस सर, ओके, तो यहाँ पर देखिए सेम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है 20 सेकंड में होगा, ओके, इसका डिफ्यूजन, और हाइड्रोजन का डिफ्यूजन कितने सेकंड में होगा? 5 सेकंड में, मतलब कितना टाइम ज्यादा लग रहा है इसको? 4 times ज्यादा रिक्वायर्ड हो रहा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, ओके, तो ये था बेटा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसके बाद में पढ़ेंगे हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ओके, चलिए बाय।